नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की खबर की। नए तेवरों में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। सिफारिश वाले फोन कॉल्स पर सीएम ने की सख्ती। बिना इजाजत लिए अफसर नहीं कर सकेंगे फोन। सचिवालय के अफसरों को पहले लेनी होगी इजाजत। सिफारिश वाले सभी कामों की पहले देनी होगी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सचिवालय के अलावा प्रदेश के सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। सीएम के सख्त तेवरों से ब्यूरोक्रेसी में मचा हड़कंप। तो कोई भी फोन अफसर नहीं कर सकेंगे सिफारिश को लेकर। अफसरों की मनमानी को लेकर योगी सरकार एक्शन में। नए तेवरों में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। अब सचिवालय से फोन कराना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी। अक्सर हम देखते हैं कई सारे विभागों में काम कराने के लिए सचिवालय से फोन कराया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके पहले आपको जानकारी देनी होगी। और इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक केबक्ष सिंह जुड़ गए हैं। केबक्ष सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, अब कोई भी फोन कराना बहुत मुश्किल होगा? निश्चित तौर पर शैलेंद्र, जो स्थिति है कि पहले ये जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पहले ही अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि भाई सिफारसी फोन अब हो जाना बंद, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, जो नियमों के तहत होगी वही कार्रवाई की जाएगी। पहले ही जब योगी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई, तो उन्हें पहले अधिकारियों को समझना पड़ा। समझते रहे और समझने के बाद जब परिपक्व हो गए, तो 2000 जब दोबारा सत्ता में आए, तो उन्होंने अधिकारियों के हालचाल को पूरी तरह से समझ लिया। अब अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है कि कोई भी सिफारसी फोन बिना मेरे पूर्व अनुमति के नहीं होगा। चाहे विधायक फोन करे, चाहे मंत्री खुद मिलने आवे, पहले मुझे पूर्व अनुमति ले लें। किस्सा कुछ इस प्रकार है शैलेंद्र, कि एक प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री से कहा कि साहब इस तरह से विधायक जी के आए थे करना है, तो बोले कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। विधायक जी की बात, तो विधायक जी तो एक नेता है, वो तो उनका इंटरेस्ट तो समझ सकता है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम क्यों सिफारिश लेके आए हो। मुख्यमंत्री के इस तेवर से जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे वो सत्ते में आ गए, और इस तरह से उन्होंने उनकी इस बात से पूरा संदेश चला गया प्रदेश को। तो कुल मिला के पहले जो आदेश हो जाते थे शैलेंद्र, कि मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया ऐसा कर दिया जाए, अब नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश हो गया शैलेंद्र। कुल मिलाकर सर, ये देखें कि विधायक के अलावा भी ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें लाइजनर भी कहा जाता है, जो किसी भी काम के लिए उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में सचिवालय से फोन करवा देते हैं, उनके लिए काफी मुश्किलें हो गई हैं। नहीं, बहुत मुश्किलें हो गई हैं। आपको स्मरण होगा कि मोदी जी जब प्रथम बार सत्ता में आए थे 2014 में, उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए कोई सिफारसी फोन नहीं करेगा, जो नियमन के अनुसार होगा वही होगा। ठीक 2.0 पे योगी ने वही फार्मूला अपनाया है, और इस संकेत से मुख्यमंत्री के पूरे सचिवालय में हड़कंप मचा हुआ है। अब जो भी लाइजनर आते थे, जो भी करते थे, अब कहते ना बाबा ना, मुख्यमंत्री का आदेश है। मुख्यमंत्री को बाबा भी कहा जाता है ना जी। ना बाबा ना, बाबा का आदेश है, हम कोई फोन नहीं करेंगे जी। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो भी है फोन नहीं हो पाएंगे सिफारिश के, लाइजनर के साथ साथ अब जो विधायक हैं वो भी फोन नहीं करा पाएंगे। अगर कोई फोन कराना होगा तो पहले मुख्यमंत्री की स्वयं इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही आप कोई फोन किसी को करा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए हैं। ब्यूरोक्रेसी में इस बात से अब हड़कंप मच गया है कि सचिवालय से कोई भी फोन किसी सिफारिश के लिए
नहीं किया जाएगा। और यहां पर